दिल्ली से सटे चमचमाता शहर साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां सरेआम चलती टैक्सी में भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। गुरुग्राम से एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर दो युवतियों ने अपने घर से जाने के लिए सुबह 5 बजे टैक्सी किराए पे ली, लेकिन टैक्सी में मौजूद ड्राइवर और उसके साथी ने ही दोनों युवती के साथ गन पॉइंट पे रेप करने की कोशिश की। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 45 में निजी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में दो युवतियां बतौर बाउंसर काम करती हैं। रोजाना की तरह कल सुबह भी दोनों युवतियां अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके सुबह करीब 5 बजे अपने घर जाने के लिए गुरुग्राम के MG रोड से टैक्सी किराए पे ली। दोनों को दिल्ली के दक्षिणपुरी जाना था। टैक्सी में ड्राइवर के अलावा उसका साथी भी मौजूद था। युवतियों ने आरोप लगाया है कि कुछ दूर जाने पर ही ड्राइवर के साथी ने पिस्तौल निकाल ली और दोनों युवतियों से लूटपाट करने की कोशिश की। लूटपाट करने के बाद एक आरोपी ने गन पॉइंट पर युवती से रेप करने की कोशिश भी की। दोनों युवतियों ने बहादुरी दिखाई और आरोपियों से भिड़ गई, जिस वजह से टैक्सी सड़क पर बने डिवाइडर से टकरा गई। टैक्सी के टकराते ही आरोपी भागने लगे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने एक आरोपी को मौके पे ही दबोच लिया और दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने जल्द ही पकड़ लिया। दो लड़कियां थी जो सुबह अपनी मॉर्निंग शिफ्ट कंप्लीट करके लेडीज बाउंसर हैं और इफको चौक से इन्होंने एक कैब ली और कैब के अंदर दो लड़के थे, एक ड्राइवर था और एक उसका साथी था। और उन लड़कियों के साथ एक लड़के ने, जो साथी कैब ड्राइवर का जो साथी था, उसने मारपिटाई वगैरह की और बाद में उनकी गाड़ी एक्सीडेंट भी हुई, जिस पे लड़कियों ने कंप्लेंट दी कि उनके साथ बदतमीजी की गई और उनसे पैसे छीने गए और उनको पिस्टल दिखाया गया और उनसे अटेम्प्ट भी किया गया, जो कंप्लेंट में उनके ये आरोप थे। जिसके ऊपर एक व्यक्ति को, जो उनमें से एक आरोपी था जिसने बदतमीजी की और मारपिटाई की, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पिस्टल दिखाया गया और उनसे पैसे छीने गए और उनसे अटेम्प्ट किया गया,